हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के आज रिजल्ट्स हैं, हालांकि जो नंबर इसके आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तकरीबन शाम को 6:30 बजे इसके रिजल्ट्स आए हैं और आज देखें तो नतीजे आने से पहले ही 3% की तेज़ी इसने दिखाई थी। हालांकि पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो लगातार गिरा है, ये 55 रुपये से लगातार गिरा है भैया। भयंकर गिरावट चल रही थी, यहाँ पर 25% का फॉल ये दिखा चुका है और आज नतीजे से पहले की तेज़ी देखने को मिली और जो रिजल्ट्स आए वो उतने बुरे नहीं है। बात करेंगे इस वीडियो में उस रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो श्री रेणुका शुगर अगर आप देखो तो 25% का फॉल पिछले एक महीने में ये दिखा चुका है। भयंकर तरीके से गिरावट चलती हुई नज़र आई है और देखो बाज़ार अच्छे मूड में नहीं था, ठीक है, तो लगातार गिरावट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ी आ गई। आज बाज़ार का मूड अच्छा था तो आज इसने भी तेज़ी दिखाई और जहाँ तक पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 15 से 16% का फॉल है। और देखो जब भी गिरावट आती है भैया बड़ी वाली गिरावट आई है, एक साल में भी 15% का फॉल ही है। देखो तेज़ी आती है तो एकदम से भाग जाता है, ये वापस गिरावट देखने को मिलती है, वापस तेज़ी आती है फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है फिर गिरावट। कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट लेवल है वो कह सकते हैं कि 38 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से 35 से 40 रुपये का जो लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। एक मेजर फॉल डेफिनेटली हमने देखा 55 रुपये से, जो एक महीने में ही अगर आप देखो तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। और देखो कंपनी फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगेन मैं कह दूँ कोई खास स्ट्रांग कंपनी नहीं है ये। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है ये, और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखोगे तो भैया बेहतरीन तेज़ी भी है। पैनी स्टॉक था ये, 5 रुपये का शेयर था कोविड के टाइम में, 4 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था ये। अच्छी रफ्तार दिखाई इसने, 60 रुपये तक गया ये, उससे ऊपर गया, उसके बाद अगर आप देखो तो लंबे समय से कंसोलिडेट ही कर रहा है ये, 40 रुपये और 55 रुपये के आसपास में अटका हुआ है ये। 40 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट, ये 38 रुपीज़ का लेवल इंपॉर्टेंट है, इंटैक्ट रहना। अगर नहीं इंटैक्ट रह पाए, अगर ये भी टूट गया तो नीचे 30 रुपये तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात हुई, देखो आज की इंपॉर्टेंट खबर तो यही थी, तो नंबर देखे तो एवरेज है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में, ठीक है, तो सब तो कोई गड़बड़ ना हो यहाँ पर। इस बार का जो इनका रेवेन्यू हुआ, टोटल इनकम हुई है वो 2580 करोड़ के आसपास की है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3,075 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत कम है, इवन पिछले साल के मुकाबले देखो तो हल्का सा ही ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,565 करोड़ की इनकी इनकम थी, तो हल्का सा ही ग्रोथ है, मुश्किल से 12-13 करोड़ ज़्यादा हुई है, तो हल्का सा ग्रोथ है यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले। और जहाँ तक बात की तो जो चीज़ें बेहतर हुई है वो यहाँ पर इनके खर्चे बहुत कम हो गए। अगर आप देखोगे तो पहले जो इनका खर्चा था वो तकरीबन 2,700 करोड़ से भी ज़्यादा का था, इस बार 2,600 करोड़ के आसपास का रहा। और जहाँ तक बात करें इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 3,250 करोड़ का खर्चा था इनका, तो इस बार खर्चा बहुत कम हुआ है, खर्चा इनका इस बार काफ़ी कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके चलते अगर आप देख रहे हो तो इनका जो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स अगर आप देख रहे हो तो वो 40 करोड़ का है इस बार, जो कि पिछले साल 207 करोड़ का था। पिछले साल 207 करोड़ का लॉस था बिफोर टैक्स की हम बात करें, ठीक है, और इससे पहले के क्वार्टर में भी 180 करोड़ के आसपास का लॉस था बिफोर टैक्स, इस बार घट के 40 करोड़ का हुआ है जो कि कम है। और आफ्टर टैक्स अगर आप देख रहे हो तो ये सिर्फ 23 करोड़ का ही लॉस हुआ है इन्हें, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 165 करोड़ से भी ज़्यादा का था और पिछले साल ये 200 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान था क्वार्टरली। तो इस बार नुकसान तो है लेकिन बहुत कम हुआ है ये, जो कि अच्छी बात है। और यही वजह भी है कि रिजल्ट से पहले तेज़ी, और हालांकि अगर मैं कह दूं कि जो तेज़ी थी वो जाहिर सी बात है आज बाज़ार अच्छे मूड में था, वो एक वजह थी। तो यहाँ पर नंबर मेरे हिसाब से देखो रेवेन्यू कम हुए हैं, कोई खास अच्छा ग्रोथ नहीं है, लेकिन लॉस बहुत कम हो गया है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि खर्चे इस बार इनके कम होते नज़र आए हैं, यही एक बड़ी वजह है। और जहाँ तक इनके वॉल्यूम की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आए। यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 8,700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो यहाँ पर, 100% लोग। और जहाँ तक इनके
डिविडेंड के बारे में देखें तो वो पे नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है तो कहाँ से पे करेगी आपको डिविडेंड। तो डिविडेंड कोई पे आउट यहाँ पर नहीं हो रहा है। और रिसेंट अगर कोई बोनस वगैरह की हिस्ट्री भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो 2010 में थी आखिरी बार बोनस की इनकी हिस्ट्री। स्प्लिट भी अगर आप देखो तो वो 2008 में था। तो कोई बोनस और स्प्लिट की हिस्ट्री रिसेंट में नहीं है, प्राइस जो गिरा है वो इसकी वजह से ही है। और जहाँ तक इसका पी रेशो देखो तो वो नेगेटिव, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट बात यहाँ पर नहीं कर रहा है खरीदारी को लेकर। फाइनेंशियल देखो, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, 23 करोड़ का लॉस हुआ है इन्हें, ठीक है, जो कि अगर आप इससे पहले के क्वार्टरों से कंपेयर करोगे, क्या 165 करोड़ का लॉस था, फिर 111 करोड़ का लॉस था, फिर 172 करोड़ का लॉस था, फिर 200 करोड़ का लॉस था, तो उससे मुकाबले आपको 23 करोड़ का लॉस बहुत अच्छा लग सकता है कि यार बहुत कम लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप देखो तो ऐसा बीच में इसने करा हुआ है, ठीक है, बीच में दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में तो इसने प्रॉफिट रिपोर्ट करा था, 14 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करा था, फिर बाद में 42 करोड़ का, उसके बाद के क्वार्टर में 43 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करा था। तो इससे खुश होने वाली बात थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जून में फिर से लॉस दिखाया, सितंबर में फिर से लॉस दिखाया, दिसंबर में लॉस और बड़े लॉस दिखाता चला गया ये। तो इस एक क्वार्टर से मैं खुश नहीं होऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस एक क्वार्टर में भी लॉस कम हुआ है 23 करोड़ का, लेकिन फिर भी वो लॉस है, जबकि 2022 में तो इसने प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन बाद में लॉस में आ गई फिर से। तो इस एक क्वार्टर से खुश होने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ी बहुत तेज़ी भी अगर आती है तो वो टेम्पररी तेज़ी होगी। मुझे लगता है कि गिरावट बाद में दोबारा आएगी, और शायद जो 38 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है वो इसको भी तोड़ सकता है आने वाले टाइम में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 62.48% की है, जो पहले भी उतनी ही थी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.09% से 0.12 पर आई, अच्छी क्वांटिटी खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड ने, थोड़ी बहुत खरीदारी करी है। डोमेस्टिक की 9.99% से 10% थोड़ी बहुत खरीदारी, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी किसने करी तो वो एफआईएल्स है। एफआईएल्स की 3.43% की जो होल्डिंग थी वो यहाँ पर 4.25% पर आई है। तो एफआईआई की तरफ से खरीदारी हमें देखने को मिली है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देख रहे हो तो वो 18.58% पर है, अदर पार्टीज 4.57% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ श्री रेणुका शुगर के बारे में, देखो कंपनी जो है वो अगर आप देखो तो लंबे समय से 2022 से अगर आप देखोगे तो इसी रेंज में कोई रिटर्न इसने नहीं बना कर दिया है। एक तेज़ी आई थी, बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली, लेकिन 2022 से अगर आप देख रहे हो तो ढाई साल से कुछ खास ऐसा परफॉर्म नहीं करा है इसने। और मैं अभी भी कहूंगा कि देखो मौके नहीं बन रहे खरीदारी, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत और करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखो 2022 मार्च में जब इनके नंबर्स अच्छे आए थे, इवन उसके बाद भी देखोगे तो बाद में कोई तेज़ी देखने को मिली नहीं है, उसके बाद यहाँ पर लगातार गिरा ही है ये। तो मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और श्री रेणुका शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।